हेलो, वेलकम टू द पर्सपेक्टिव। फर्स्ट पार्ट में हमने एसेट्स क्रिएट किए, अब उन एसेट्स को इम्प्लीमेंट करके हमने ये सीन क्रिएट किया। मैंने ऑफलाइन उन एसेट्स के अलावा 4-5 और एसेट्स क्रिएट किए। टोटल हमारे पास 12 एसेट्स हैं। इन सब एसेट्स की मदद से हम एक पूरा सीन क्रिएट करेंगे। ओवरऑल एसेट्स लेस देन 4 MB हैं। 4 MB से इन कम एसेट्स के जरिए हम प्रीफैब्स बनाएंगे और एक पूरा सीन क्रिएट करेंगे। लेट्स डू इट। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सीन किस तरह का होगा। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं। वन टू एट के बी के इन एसेट्स को हम ड्रैग कर रहे हैं यूनिटी में। यूनिटी में ड्रैग करने के बाद हम इनके प्रीफैब्स बनाएंगे। प्रीफैब्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ऐसे मॉडल होते हैं जो हमारे सीन में बार बार रिकॉल होते हैं। यू कैन सर्च अबाउट प्रीफैब्स ऑन गूगल। सो सबसे पहले हम अपने सब ऑब्जेक्ट्स को नेम दे देंगे और नेम देने के बाद हम इन ऑब्जेक्ट्स को जैसे ही हायरार्की से ड्रैग करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, तो ये प्रीफैब्स में चेंज हो जाएंगे। आप वन बाय वन इनको ड्रैग करेंगे और आपको दिखेगा कि जो ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एक हॉलो बॉक्स के थे, वो एक नीले बॉक्स में चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रीफैब्स बन जाएंगे। अब जब भी हम सीन में इनको ड्रैग करेंगे, ये हमारे पास एज ए प्रीफैब काम करेंगे सीन में। तो इसके बाद हम, क्योंकि हमारे पास एसेट्स दो तरह के थे, एक रोड और रोड की साइड पे जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में शॉप्स बनाई थी वो, और नए जो मैंने ऑफलाइन बनाए हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स वो हैं हाउसेस, रूम्स हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं लाइक डिश एंटीनाज हैं। तो हम इन्हें ड्रैग करेंगे और इनके भी प्रीफैब्स बनाएंगे और सबको अरेंज करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो शॉप बनाई थी, उस शॉप के प्रीफैब बनाने के लिए उस शॉप के दोनों टेक्सचर्स को हम चेंज करेंगे। एक टेक्सचर इसकी दीवारें इंक्लूड रूफ और दूसरा टेक्सचर इसका गेट। फास्ट वर्क करने के लिए हम इमेज टेक्सचर को ड्रैग करेंगे हमारे किसी भी एसेट के ऊपर। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे ये होल एसेट के टेक्सचर को चेंज कर देगा, बट बैक एंडिंग नहीं कहेंगे ये टेक्सचर जो है इन द फॉर्म ऑफ पीएनजी इमेजेस हमारे मटेरियल में चेंज हो रहे हैं। तो हम मटेरियल के फोल्डर से इन्हें दोबारा खास खास जगहों पर ड्रैग करके अपने मटेरियल, अपने ऑब्जेक्ट के मटेरियल चेंज कर सकते हैं, टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हमारी शॉप कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है हमारी पिछली शॉप से। तो हम इन तीनों शॉप्स को, या हम एक और शॉप बना लेंगे, 3-4 शॉप्स के हम प्रीफैब्स बना लेंगे और बाद में हम इनको यूज़ करेंगे जब हम अपना पूरा एक सीन डिज़ाइन कर रहे होंगे। इन शॉप्स के प्रीफैब्स डिलीट करेंगे और बाकी जितने भी हमने अब तक प्रीफैब्स बनाए थे वो डिलीट करेंगे हायरार्की से। हमारे पास अब भी ऑब्जेक्ट्स में ये सारे प्रीफैब्स अवेलेबल हैं। हम पेंट खोल रहे हैं, वैसे आप एक पेज के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। हम ड्रा करेंगे कि हमारा सीन कैसा होगा। एक हम पैटर्न सा बना लेंगे जिसको फॉलो करेंगे हम सीन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मैंने आउटर बाउंड्री का एक रोड क्रिएट किया है और कुछ स्ट्रीट्स क्रिएट की हैं, पतले छोटे रोड जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
हमने जो प्री फैब्स बनाए थे उनमें से रोड के सेंटर वाले चंग को, एक हिस्से को सीन में ड्रैग करेंगे। देन हम कंट्रोल टी से डुप्लीकेट करेंगे और बाय प्रेसिंग वी हम इसकी पोजीशन को सेट करेंगे। वी को प्रेस करके पोजीशन सेट करना बहुत ही इजी वर्क है, लाइक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे और अंटिल हमें जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ ना मिल जाए। लाइक पहले हम एक स्ट्रक्चर, एक थिन सी बाउंड्री लाइन बनाएंगे, जो सेंटर की बाउंड्री होगी वो बनाएंगे। फिर हम इसके बाद इस रोड के सेंटर के साइडें फिल करेंगे। यू कैन सी इन दिस ट्यूटोरियल, लाइक देखिए मैं कैसे क्रिएट करता हूँ इसे। नाउ हम दूसरा हिस्सा ड्रैग करेंगे जो रोड की साइड होगी। जैसे मैंने कहा कि एक रोड की साइड होगी, तो जैसे ही हमने ड्रैग किया, इसे डुप्लीकेट किया और हमने एक पूरी लाइन रोड की साइड की बना दी। इस तरह हम अप्स डाउन लेफ्ट एंड राइट एक रोड क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं, छोटे छोटे चंक्स हैं और अच्छा है ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट्स होते, खुद में ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते, प्री फैब ना होते, तो हमारे सीन को बहुत हैवी कर देते, जो गेम के लिए अच्छा नहीं होता और ना कंपाइलिंग के लिए अच्छा होता है और ना ही प्रॉपर्टी के लिए। हमें जब एक गेम चाहिए होती है तो वो हमें जितना हो सके उतना लाइट वर्जन चाहिए होता है, खासकर जब हम किसी मोबाइल गेम को डेवलप कर रहे हों यूनिटी पर। खैर, अब ये प्रोसेस और ये स्ट्रीट्स अपनी तरह से बना सकते हैं, लाइक अपनी थिंकिंग से, और खुद ड्रा कर सकते हैं कि आपको किस तरह का पैटर्न फॉलो करना है और एक किस तरह का मैप क्रिएट करना है। अब वी को प्रेस करके हम एक और चंक को, जो कि साइड पे कॉर्नर होगा, जो जैसे ही रोड की साइड पे हमारी कोई भी ट्रैफिक या हमारा जो करेक्टर होगा वो टर्न लेगा, तो साइड पे जो रोड का हिस्सा नजर आएगा वो चंक हम वी को प्रेस करके ट्रैक कर देंगे यहाँ पे, और एक पूरा ओवरऑल बाउंड्री बना लेंगे। और फिर हम स्ट्रीट्स बनाएंगे जैसे कि हमने इमेजिन किया था थोड़ी देर पहले, कि हम इस सीन में सेंटर में कुछ स्ट्रीट्स बनाएंगे। और स्ट्रीट्स के साथ साथ हम स्ट्रीट जहाँ से ज्वाइन हो रही हैं वहाँ पे इनकी कम्प्लेक्सिटी को अच्छे से समझेंगे और उनके ऊपर छोटे छोटे चंक्स बनाएंगे। इन्हीं चार रोड की साइडों से हम पूरा, लाइक पूरे गेम का एसेट बना, रोड का एसेट क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी पूरी गेम का एक रोड क्रिएट कर सकते हैं। अब हम रोड की साइडों पे शॉप्स को ड्रैग करेंगे जिनके हमने प्रीफैब्स बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले ही। तो हम जैसे ही ड्रैग करेंगे बाय प्रेसिंग वी अब कॉर्नर पे शॉप के क्लिक करेंगे और रोड की साइड पे ले जाएंगे, तो ये खुद ब खुद जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक ये चिपक जाएगा रोड की साइड से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है टूल। खैर, हम जल्दी जल्दी से पूरा सीन क्रिएट करते हैं, लेट्स सी क्या बनता है इसका। बाय द वे मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, वीडियो को, और आप अपनी इमेजिनेशन से जो हमने एसेट्स बनाए हैं उनमें टेक्सचर को चेंज करके उनके मुख्तलिफ प्री फैब्स बना के एक पूरा सीन क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस आपने एक सोच रखनी है, एक विजन रखना है, कुछ करेक्टर्स, कुछ सीन देखने हैं पहले किसी गेम के, या ऑनलाइन इंटरनेट पे आपने उनसे आइडिया लेना है और एक सीन क्रिएट करना है, सोचना है उसके बारे में, और आप इजीली क्रिएट कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। यू कैन सी मैंने एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जस्ट यूजिंग दैट 12 एसेट्स, और यू कैन सी, और आप खुद से एक्सपेरिमेंट करें। किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं और हम कुछ नया अचीव करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब तक के लिए यही काफ़ी है। देखें, ये अगर अगर आप गौर करें तो इसके टेक्सचर भी मच बेटर हैं, और ये ऐसे ये सब कुछ हमारा अपना बनाया हुआ है, कोई इंटरनेट से नहीं लिया हमने कोई एसेट 3D। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।